हम मनमाने तरीके से कोई बात बोलने के अभ्यासी नहीं है। उपनिषद में झाजी स्पष्ट लिखा है कि मुक्तात्मा जब भगवान का साहिज्य प्राप्त करता है, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है जीव, तो उस समय उस भाग्यशाली जीव के चित्त में जो मनोरथ होते हैं उन मनोरथों के अनुसार भगवान की सेवा का उपकरण बन जाता है और उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह एक ही अनेक रूपों से अपने अपने प्रेमास्पद की सेवा कर सकता है। एक जैसे भगवान अमित रूप प्रगटते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, वो भगवान के जैसी सामर्थ्य उसमें आ जाती है, वह अनंत रूप धारण करके अपने भगवान को रिझाता है, भगवान की सेवा करता है। सा एक धा द्विधा त्रिधा भवती, ऐसा उपनिषद में लिखा है, वो एक दो तीन माने अनंत हो जाता है। ठाकुर जी की वन विहार की इच्छा हुई तो सहचरी भी वही है वन विहार कराने वाली, भूमि भी वही है, वृक्ष भी वही है, ध्यान दें, लता भी वही है, उन पर जो पक्षी है वो भी वही है, वो मुक्तात्मा जीव सिद्ध जीव, और पुष्प भी वही है, भ्रमर भी वही है, तितली भी वही है, पराग भी वही है, ठाकुर जी के नखसिक आभूषण भी वही बन जाता है। और अपनी अपनी रस भावना के अनुसार ठाकुर जी के श्रीअंग में चले जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। जिनका बहुत अधिक दैन्य भाव दास्य भाव है, चरणों से ऊपर उठते ही नहीं है, वो श्री ठाकुर जी के नूपुर बन जाते हैं, वो चरण महावर बन जाते हैं ठाकुर जी किशोरी जी के नूपुर बन जाते हैं। जो विशुद्ध सख्य वाले हैं वो भगवान के कमर का आभूषण बन जाते हैं, कोंधनी बन जाते हैं, बाजूबंद बन जाते हैं, शांत रस के भक्त उनके हृदय का हार बन जाते हैं, मधुर रस के जो भक्त होते हैं उनकी नासा मणि नकवेसर नासा मोती, क्यों बार बार अधर छूकर अधर अधर का स्पर्श करते हैं, कुंडल बन जाते हैं। ठाकुर जी श्री जी चलते हैं ललित चाल से तो कपोल का स्पर्श करते हैं, ये रसिक भक्त हैं, कंठ से लग जाते हैं, छिपक जाते हैं गले से कपोल से, यहां यहां ये। और जो वात्सल्य रस के हैं वो मुकुट बन जाते हैं, क्यों बड़े बूढ़ों का हाथ बच्चों पे रहता है, बड़े बूढ़ों की छाया रहती कि नहीं, ठाकुर जी के सिर पे कौन बिराजेगा, ये करकंज तो वही पधरा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लाड़ चाव जिनको है वो मस्तक के आभूषण बन जाते हैं, ऊपर का मुकुट क्रीट बन जाते हैं, पीतांबर भी वही, बनमाला भी वही, पुष्पमाल भी वही, सब कुछ वही बन जाते हैं भक्त, सब कुछ वही बन जाते हैं। तो इसी के अनुसार भगवान को ठाकुर जी को युगल प्रियालाल को रथ से विहार करने की इच्छा हुई तो घोड़े भी वही बन जाते हैं, उनकी लगाम भी वही बन जाते, उन घोड़ों का श्रृंगार भी खुद बन जाते हैं, सारथी भी खुद बन जाते हैं, चाहे सखी के रूप में हो चाहे सखा के रूप में हो, और रथ भी स्वयं बन जाते हैं, रथ का मार्ग भी स्वयं बन जाते हैं। इसी प्रकार जब युगल प्रियालाल को जल विहार की इच्छा होती है तो जल भी स्वयं बन जाते हैं और नौका भी स्वयं बन जाते हैं, और नौका को खेने वाले कैवर्तक भी स्वयं बन जाते हैं। अनेक रूप से श्री ठाकुर जी की लीला, वह अनेक रूप धारण करके श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।